बसमिल रहीम स्टूडेंट हमारे पास जो लेक्चर नंबर टू है वो आपके पास को रिलेशन जिसमें आपने डायग्राम को डिस्कस करना है अच्छा जैसे कि हमने रिग्रेशन के लिए डायग्राम डिस्कस की इसी तरह correlation, अब correlation correlation. Correlation को रिलेशन आपको रिलेशन बेसिकली कि मैयर ऑफ इंडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स जो मईर करेगी स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल डिस्क्राइब करेगी दैट इज़ कॉल्ड द को हमने को को मज़ीद डिवाइड कर दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव में आप क्या कहते थे पॉजिटिव में कि अगर आपके टू वेरिएबल्स हैं एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज़ करना चाहिए अगर आपका एक वेरिएबल डिक्रीज़ कर रहा है तो सेकंड भी आपका वेरिएबल डिक्रीज करना चाहिए तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन या डायरेक्ट कोरिलेशन इसी के अगर मुतबाद हम हमने जो डिस्कस किया था कि अगर आपका एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है अब ये इन्वर्स रिलेशनशिप हो होगी एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है इसको हम कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव और इन्वर्स को रिलेशन होता है और यहां पर पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन होता है अच्छा हम डायग्राम्स में अगर इनको शो करें तो हमारे पास क्या होती है डॉट डायग्राम जो मैंने आपको डिस्कस की थी रिग्रेशन में भी हमारे पास होता है कि डॉट डायग्राम इट इज़ अ डायग्राम दैट इट इज़ यूज़ टू जज द एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल कि जो टू वेरिएबल्स के दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप या उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हम जज करने के लिए डायग्राम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डॉट डायग्राम तो डॉट डायग्राम क्या है इट इज़ अ डायग्राम एंड इट इज यूज़ टू जज द एग्जटेंस एंड नैचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वान्टिटेटिव वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड द डायग्राम जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एज एंड वेट की ठीक है तो ये हमारे पास क्या होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्वान्टिटी में न्यूमेरिकल में मैयर किया जाता है दैट इज कॉल्ड द क्वान्टेटिव टर्म अब स्टूडेंट हम कहते हैं हमारे पास जो टू पॉइंट्स गिवन होते हैं इसमें भी हमारे पास टू वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं एक एक्स होता है एक वाई होता है यहाँ भी हम एक ले लेते हैं एक एक्स ले लेते हैं एक वाई लेते हैं देन नेक्स्ट में भी आप क्या ले रहे हो टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर रहे हो एंड फोर्थ सिचुएशन आपको डिस्क्राइब की जाएंगी जिसमें आपने बताना होगा कि आपके पास क्या वही सेम डायग्राम्स जैसे कि हमने रिग्रेशन में डिस्कस की थी कि अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं बोथ इन द पॉजिटिव लाइन की सूरत में ठीक है तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव और लीनियर को ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन भी आप इसे कह सकते हो इसमें क्या है था पॉजिटिव एंड डायरेक्ट में मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है ये रिपीट करवाने का मकसद ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पॉजिटिव एंड डायरेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पर टू वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व है तो एक वेरिएबल बढ़ है तो दूसरे को भी बढ़ना चाहिए जैसे कि हमने इसकी एग्ज़ाम्पल प्रीवियस पढ़ी है टेम्परेचर और आयरन बार की अगर हम टेम्परेचर जो है वो यहाँ ले रहे हैं फिक्सड हम हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं आपकी आयरन बार भी बढ़ती जाएगी आप टेम्परेचर इंक्रीज करें आपकी आयरन बार बढ़ती जा रही है लेंथ ऑफ आयरन बार तो ये हमारे पॉज पॉजिटिव और डायरेक्ट क्या आप डेटा को प्लॉट करोगे तो वो आपको इस सूरत में डॉट्स दे रहा कॉल्ड द पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन अगर आपका डेटा जो है वो इस सूरत में आपको डॉट्स प्रोवाइड कर रहा है ये मैं आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ और आप लाइन ड्रॉ करोगे दैट इज़ इट्स कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन अब नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है हम ये डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा एक चीज़ आप इंक्रीज़ कर रहे हो अगर मैं ले रही हूँ यहाँ प्रेशर ऑफ़ इंक्रीज़ कर रही हूँ तो वॉल्यूम ऑफ़ गैस जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारे पास होता है नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप जहाँ आपके पास अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है तो सेकेंड डिक्रीज़ कर होगा अगर एक डिक्रीज़ कर रहा है तो सेकेंड इंक्रीज़ करोगे यहाँ आपका नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप होता है अगर आपके जो डॉट्स हैं वो इस सूरत में आ रहे हैं ये लाइक दिस कि आप ये कर्व की सूरत बना रहे इसे कर्विलीनियर भी कहते हैं और आप इसको कहते हो कर्विलीनियर कोरोलेशन कि एक कर्व की सूरत में ये इस कर्व की सूरत में भी आ सकता है यूं भी आ सकता है तो इसको हम कहते हैं कर्विलीनियर को रिलेशन कर्विलीनियर को रिलेशन कर्विलीनियर इसे क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो आप पॉइंट्स अप्लाई करते हो एक्स एंड वाई के वो आपको एक कर्व की सूरत में प्रोवाइड करें दैट इज़ कॉल्ड द कोरोन कर्विलीयर को रिलेशन इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास पॉइंट्स हैं जिनमें आपकी कोई भी डायरेक्शन शो नहीं हो रही है लाइक दिस वैन वी देन वी कैन से दैट को रिलेशन जो हमारे पास है वो नो no एग्जिस्ट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है हम कहते हैं नो को रिलेशन कोई को रिलेशन नहीं है तो ये आपके पास फोर पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको आप डॉट डायाग्राम में स्केटेड डायाग्राम में डिस्क्राइब कर सकते हो को रिलेशन को स्केटेड डायाग्राम में अगेन रिपीट करी हूँ हमारे पास क्या होती है इट इज़ अ डॉट डायाग्राम ये आप देखो ये हमने डॉट्स डाया डाले हुए तो तो हैं तो इट्स अ डॉट डायाग्राम एंड इट इज यूज टू जज द एक्स्टेंस एंड नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वान्टिटेटिव वेरिएबल जो दो क्वान्टिटेटिव वेरिएबल के दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप को मैयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्कैटर डाइग्राम तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे कहीं से और आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह